आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब देने वाले हैं कि क्या डायबिटीज के पेशेंट्स पपीता खा सकते हैं, और अगर हाँ तो कितनी क्वांटिटी में और किस वक्त। तो सबसे पहले पपाया के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके फायदे क्या होते हैं। पपीता देखिए एक ऐसा फल है जिसका टेस्ट काफी अच्छा होता है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी भरपूर होते हैं। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और फाइबर की काफी अच्छी मात्रा होती है, जो कि आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करता है और कई सारी बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करता है, और साथ ही साथ ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, एक अच्छा ऑप्शन है स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए। विटामिन ए आपकी आंखों और स्किन के लिए बेनिफिशियल होता है, और फाइबर जो है वो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, लीवर की हेल्थ को बढ़ाता है और कॉन्स्टिपेशन से भी आपको बचाने में मदद करता है। तो अब बात करते हैं कि क्या डायबिटीज के पेशेंट्स पपाया खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। देखिए पपाया का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लगभग 60 के आसपास होता है, जो कि मीडियम रेंज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। इसका मतलब यह है कि पपाया खाने से ब्लड शुगर बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगा, लेकिन 60 ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम नहीं होता है। दूसरे पपाया का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो काफी लो होता है, ये एक अच्छी बात है। अगर आप 100 ग्राम पपीता खाते हैं तो लगभग एक सर्विंग का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 5 से 6 के आसपास आता है, जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल पर कम ही असर डालता है, और यही चीज है जो आपको पपीता को सेफ बनाती है ब्लड शुगर के मरीजों के लिए। 100 ग्राम पपाया खाने के बाद आपके ब्लड शुगर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, मामूली सा ब्लड शुगर बढ़ता है लेकिन ये ज्यादा नहीं होता है और शुगर के मरीजों के लिए सेफ माना जाता है। अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में है और आप पपाया को ठीक क्वांटिटी में खाते हैं तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको फायदा ही करेगा, क्योंकि इसके अंदर फाइबर की अच्छी मात्रा होती है। लेकिन अगर आपका ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है, शुगर कंट्रोल नहीं होता है, तो कितना पपीता खाना है ये जानने के लिए देखिए आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर बात कर ले। हालांकि 50-60 ग्राम पपीता आप रोज खा सकते हैं। अब बात करते हैं कि पपाया कब खाना चाहिए, सुबह को खाएं या शाम को खाएं। देखिए पपाया को सुबह खाना सबसे अच्छा माना जाता है, इससे आपका डाइजेशन अच्छा होता है और उसके अलावा आपको दिन भर एनर्जी भी मिलती है। लेकिन अगर आप सुबह नहीं खाना चाहते हैं तो शाम को भी पपीता खा सकते हैं, उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं है, लेकिन सुबह खाने के फायदे ज्यादा है। दूसरा, इसको खाने से पहले खाएं या खाना खाने के बाद खाएं। देखिए पपाया को आप खाना खाने से पहले भी खा सकते हैं और खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस है कि आप अगर सुबह खाएं या खाना खाने से पहले खाएंगे तो आपको ज्यादा फायदे मिलेंगे, क्योंकि ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा और साथ ही साथ जो लीवर से गंदगी है, जो आपके टॉक्सिन्स है, उनको भी बाहर निकालने में ये मदद करेगा। और शुगर के मरीजों को पपीता जो है वो खाने से पहले ही खाना चाहिए, खाना खाने के बाद पपीता खाने से बचे। पपीता जो है देखिए डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, इवन मैं कहूंगा होता है, लेकिन इससे सही क्वांटिटी में और सही टाइम पर खाना जरूरी होता है। शुगर के मरीज रोजाना 50 से 100 ग्राम पपीता खा सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका शुगर कंट्रोल है या नहीं है या कितना शुगर लेवल है। किसी भी नई चीज को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से या डाइटिशियन से जरूर बात कर लें, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करना भी ना भूलें, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।